साल और जीते, वो 10 साल पहले खत्म हो गए, घर बेकार हो गए, एक घर में से लगातार 6 मौतें हुई थी इसी विस्थापन के अंदर। तो इसमें सरकार को क्या हुआ? हम कुछ लोग ठबक गए थे तो उन्हें ये कहा हा, दूसरे चरण में किसी को बढ़ेगो तुम्हारो पहले पड़ेगा। साल खेत करने को मिले हैं और हमें 3 साल पहले छोड़ चुके हैं खेत करने के लिए, तो उन्हें ज्यादा कैसे मिल जाएगा? हमसे वादे किए गए पहले फेज में, हमसे मान्य डीएम साहब बीएन सिंह थे, एसडीएम साहब जो अभी हैं फिलहाल, वो पहले तहसीलदार थे, वो अभी प्रेजेंट में यहाँ पे हैं, उन्होंने भी वादे किए थे हमसे कि भाई मुआवजा हमको जो अभी दिया जा रहा है वो लास्ट तक यही दिया जाएगा, या उनको बढ़ के मिलेगा तो हमको भी बढ़ के ही मिलेगा मुआवजा। तो इस बात का कोई जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण को लेकर जो भूमि अधिग्रहण होना है उसके लिए सहमति पत्र दिए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से कहना है कि लगभग 75% से ज़्यादा लोगों ने दूसरे चरण के लिए सहमति दे दी है, तो अब जो जेवर एयरपोर्ट के लिए दूसरे चरण का भूमि अधिग्रहण होना है उसके लिए सहमति हो चुकी है। दरअसल ये नियम होता है कि अगर 75% सहमति हो जाती है तो सरकार इस सहमतियों के द्वारा अधिग्रहण कर सकती है। तो आप सभी के लिए ये अपडेट था कि जो एक बड़ा बहुमत था सहमति देने को लेकर वो क्लियर हो चुका है और अब आगे की प्रक्रिया जो होगी प्रशासन की तरफ से वो शुरू कर दी जाएगी और जेवर एयरपोर्ट का जो दूसरा एक बड़ा जो स्टैंड था वो क्लियर हो चुका है। तो ये एक बड़ी बात है। आपको बता दूं कि जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की ओर से काफ़ी मेहनत की गई इस चीज़ के लिए, प्रशासन ने मेहनत की, किसानों के साथ बात की, किसानों को मनाया, तब जाकर ये चीज़ पटल पर आई है और अब जेवर एयरपोर्ट का एक बड़ा जो मुद्दा था वो सॉल्व हो चुका है। अब ये प्रक्रिया आगे हो जाएगी। कुछ गांव के लोगों में जो गांव विस्थापित होने हैं दूसरे चरण के लिए, उनके बारे में आपको बता दूं कि वो गांव अपने विस्थापन को लेकर डिस्प्यूट में हैं कि हमारे गांव का विस्थापन कहाँ होना चाहिए, कौन सी जगह उनके लिए प्रेफर करती है। तो अलग अलग गांव में लोग इस चीज़ को लेकर मांगे उठा रहे हैं कि भाई हमारा गांव फला जगह पर विस्थापित हो तो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ गांव जो दूसरे गांव हैं, कुरैम गांव हैं उसका विस्थापन होना है, रनेरा गांव है उसका विस्थापन होना है। तो ये सभी वो गांव हैं जो दूसरे चरण के लिए विस्थापित होने हैं। अब कहाँ ये अपना विस्थापन चाहते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जेवर विधायक के द्वारा जब इन सब किसानों को मुख्यमंत्री से मिलाया गया था तो उस वक्त मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही थी कि जो गांव के विस्थापित किसान हैं, जो विस्थापित होंगे, उन्हें उनकी सहूलियत के अनुसार बसाया जाए जहां उनके लिए बेटर लगता है। तो ये एक दूसरी बात थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक तीसरा मुद्दा उठ के सामने आ रहा है। इस वक्त मैं जेवर के R&R साइट पर हूँ जहाँ की पहले चरण के विस्थापित किसानों को बसाया गया था। ये उसी का पार्क है, आप देख सकते हैं, एकदम बेहतरीन चारों तरफ सीनरी नज़र आ रही है। आप इस वक्त जेवर में ही हैं, जेवर का R&R साइट में हैं। तो इस वक्त मैं R&R साइट के जो गांव के लोग हैं जो वहां बसाए गए हैं पहले विस्थापन को लेकर, आपको बता दूं कि पहले विस्थापन में जो लोग विस्थापित हुए थे वो यहां बैठे हुए हैं और ये अपनी मांगों को लेकर, इनकी भी अब नई मांगें आ रही हैं। इनका कहना है कि उनको जो दूसरे चरण के विस्थापित किसान हैं उनको ज़्यादा मुआवजा मिल रहा है, हमें कम मुआवजा मिला था, तो उस चीज़ को लेकर अभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने फिराज अपनी पंचायत की है, इन लोगों के बीच चलते हैं, जानते हैं इनका क्या कहना है और कैसे इनका अगला कार्यवाही कैसे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सब लोग, कैसे बैठे हो बता दो। ये बैठे हैं मुआवजे बढ़ाने को। अच्छा, ठीक है। इस चीज़ का मुआवजा कैसा मुआवजा, पूरी बात बताओ। देखो, हमारी जमीन अधिग्रहण हुई, ठीक है, मुआवजे में एयरपोर्ट में, तो मुआवजे की सभी अधिकारी ने, पटवारी ने जब हमसे सहमति ली, हम कुछ लोग ठबक गए थे तो उन्हें ये कहा हा के मुआवजा तुमको पहले पड़ेगा, दूसरे चरण में किसी को बढ़ेगा तो तुम्हारो पहले पड़ेगा। तो तुम कौन से गांव के विस्थापित हो? हम नंगला शरीफ खां के। नंगला शरीफ खां के, तो ताऊ नगला शरीफ खां से हैं जो कि वहां से विस्थापित होकर जिन्हें यहां बसाया गया था, अब मुआवजे को लेकर इनका भी अपना कहना है। हाँ जी चाचा, कौन से गांव से हो आप? छीतर के। आप नगला छीतर से हैं? इकट्ठा हो रहे हैं, मांग बताओ। आपको मुआवजा बहुत कम मिला है, हमें कटोरा हाथ में दे दी, हमारे कोई सुविधा नहीं, मर में पड़ो है, कोई तरक्की नहीं, क्या अब बच्चे छोटे छोटे हैं तो कटोरा हाथ में दे दियो। हमको मुआवजा है, हमें मकान फड़वा दिए तो मुआवजा मिलेगा, हम क्या करें बताए आपके पास है? एसडीएम साहब, डीएम साहब, मकान में फोड़ के आपका मकान मिलेगा, पैसे मिलेंगे, पैसा मिले नहीं, मरबे का पैसा मिला ही, क्या करें बताए है, बोरिंग का पैसा मिले। नगला क्षेत्र, हाँ, आपका कौन सा गांव है जी? नगला गणेशी गांव है, हमारे यही गांव है नगला गणेशी। हाँ बताओ। हम तो नो कह रहे हैं भाई, जैसे सब कह रहे हो हमको है जी।
जैसे सबको हेरो है, वैसे रनहेरा को बढ़ो, वैसे क्रेम को बढ़ो, जानू को बढ़ो, वैसे हमारी इन गामन को है जी। हमारी गांव में 6-7 गांव बस रहे हैं, मतलब जितना बढ़ा जितना बढ़ के उन्हें मिला है उतना बढ़ के तुम्हें मिल के हमें मिलना चाहिए। 3 साल खेत करने को मिले हैं और हमें 3 साल पहले छोड़ चुके हैं खेत करने के लिए, तो उन्हें ज्यादा कैसे मिल जाएगा। हम 3 साल हो गए बिना खेत करे हुए, अपने भैंस कटरा कटिया सब बेच के आ गए यहाँ पे, परेशान हुए 1.5 साल से, और उन्हें आज 3 साल खेत करने को ज्यादा मिल गया, तो कौन सा एहसान कर लिया उन्होंने ये बताओ ना, हमें कैसे कम हो जाएगा, हिसाब लगा लो तुम। हमारा उनका 3100 हुआ, 3100 हमें मिलेगा, अगर तीसरे चरण में 4100 होगा तो 4100 पिछले गांव भी लेंगे जो पहले विस्थापन हो चुके हैं। प्रोजेक्ट एक है, मुआवजा एक होगा, चाहे इसमें 15 बार तक रिक्वायरमेंट हो, चाहे इसमें सालों साल रिक्वायरमेंट चले तो सालों साल लोगों को मुआवजा मिलेगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले नीम जमाने वाले 6 गांव हैं, 14 गांवों की जमीन गई है, लोग बेरोजगार हैं, बेघर हैं, 1.5 साल हो गया हमें परेशान होते हुए, हमें मालूम हमने कैसे 1 साल से क्या नाम है बाहर रह के किराए पे कैसे कैसे दुख झेले हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जो बुजुर्ग हमारे पहले 10 साल और जीते वो 10 साल पहले खत्म हो गए, घर बेकार हो गए, एक घर में से लगातार 6 मौतें हुई थी इसी विस्थापन के अंदर, तो इसमें सरकार को क्या हुआ, फर्क तो हम लोगों को पड़ा ना, जिन लोगों विस्थापन में आए हैं परेशानी तो उन्हें झेलनी पड़ रही है ना, सरकार तो कह के छूट गई, आज परेशान है हमारी जितनी भी यहाँ पे जनता इकट्ठी हुई है वो मुआवजे को लेकर के हुई है, और मुआवजा जितना बढ़ा हुआ है हम लेकर के ही मानेंगे, चाहे हमें अनशन, चाहे कितना ही बड़ा विरोध करना पड़े, चाहे कितना ही हमें वहाँ धरना देना पड़े, चाहे कहीं तक जाना पड़े, और केस हमारा चल ही रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट में सभी का। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात और जाननी चाहूंगा कि मुआवजे को लेकर आप लोग मांग उठा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कितने गांव हैं लगभग इस वक्त यहाँ पे जो बसे हुए हैं? ऐसे यहाँ पे गांव तो बसे हुए तो है 6, पर जो प्रभावित हुए थे वो मुआवजे के पर्पज से 14 गांव थे, प्लस अदर के जो इन्वेस्टर थे वो भी लोग थे, और वो सभी लोग यहाँ पे हैं अभी मुआवजे के लिए। मुआवजे 2 प्रोजेक्ट 1, DLC रेट भी 6 है, अगर DLC रेट की कोई बढ़ोतरी होती तो भी एक बात को विचार किया जाता, मुआवजा हमको भी वही चाहिए, वो हमसे वादे किए गए पहले फेज में, हमसे माननीय DM साहब BN सिंह थे, SDM साहब जो अभी हैं फिलहाल वो पहले तहसीलदार थे, वो अभी प्रेजेंट में यहाँ पे हैं, उन्होंने भी वादे किए थे हमसे कि भाई मुआवजा हमको जो अभी दिया जा रहा है वो लास्ट तक यही दिया जाएगा, या उनको बढ़ के मिलेगा तो हमको भी बढ़ के ही मिलेगा मुआवजा। तो इस बात का कोई वीडियो, कोई सबूत, कोई पोस्ट आपके पास है मौजूद? क्योंकि मेरे एक सेकंड क्योंकि मेरे पास मेरी पोस्ट पर ही पिछली बार मैंने आपकी न्यूज चलाई थी, तो एक बंदे का वो था पोस्ट, उस पर कमेंट किया था कि क्या इस तरह का कोई वीडियो या पोस्ट किसी के पास है, और आपका कहना था कि हमारे पास एक वीडियो है, तो थोड़ा सा इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। वीडियो काफी ढूंढी पर वीडियो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमसे वहाँ मोबाइल कैप्चर कर लिए जाते हैं जब इनके पास हम जाते हैं, इनका खुद का मीडिया वाले होते हैं, खुद के इनके चैनल होते हैं वहाँ पे, तो सारी चीजें इनकी होती है। अभी हमको भी लिखित में कुछ नहीं दिया, अभी जिनको अभी घोषणा किया लिखित में तो उनको भी नहीं दे रहे ये, लिखित में तो इन्होंने कभी कोई चीज आज तक दी नहीं है, कोई भी बरवली ही बोलते हैं ये, लिखित में कभी कोई चीज इन्होंने दी नहीं अभी तक, अगर हमको तो कुछ भी नहीं दिया, अभी सेकंड फेज में काम कर रहे हैं, सेकंड फेज वालों को भी लिखित में कुछ नहीं दिया इन्होंने आज तक, उनको भी लिखित में दे दें। हाँ भैया कुछ कहना है? धन्यवाद कि हमारे बीच में आप आए हो, सबूत तुम्हें पहले भी दिया था जब पहले मीटिंग जुड़ी थी, और वो व्हाट्सएप भी करा था आपके पास, आपके पास व्हाट्सएप भी करा था, जो पहले चरण में 3100 का मुआवजा जो आप दूसरे चरण में मिला वो 3100 का मुआवजा मिलना चाहिए हमें, और नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें अपनी गर्दन कटवानी पड़ जाए। कौन सा गांव है तुम्हारा? नगला गणेशी। आप नगला गणेशी? नगला गणेशी जी, कुलदीप नाम है मेरा। 3 साल हो गए जमीन छोड़े हुए। तो अभी आपने देखा कि रोही, नगला गणेशी, नगला छीतर, नगला शरीफ खां, ये उन सभी गांवों के किसान यहां बैठे हुए हैं, जिनकी मांग है कि जो मुआवजा अब दिया जा रहा है उसी मुआवजे के हिसाब से हमें भी मुआवजा मिले, और हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरी किया जाए। नीरज कुमार शर्मा के साथ चंचल शर्मा, जयपुर प्रेस के लिए।